शाहरुख खान की फैन का बॉक्स ऑफिस पर दम निकल चुका है और शाहरुख खान ने भी ये बात स्वीकार कर ली है। शाहरुख खान की दिलवाले जब लोगों को पसंद नहीं आई थी तो शाहरुख खान ने इनडायरेक्टली फिल्म के डायरेक्टर्स और मेकर्स पर इसका ठीकरा फोड़ दिया था। और जब लोगों ने शाहरुख खान की वो मूवी जिसमें शाहरुख खान की ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस भरी हुई थी, मैं अपनी कमी के अलावा सबकी कमी निकाल रहे हैं शाहरुख खान, शाहरुख खान ने डायरेक्टर को भी नौसिखिया कह दिया है। शाहरुख खान ने कहा है, ये फैन वो फिल्म नहीं है जिसे ज्यादा दर्शक पसंद करें, लेकिन फिर भी हमने एक चांस लिया कि शायद वो इसे पसंद कर लेंगे, लेकिन उन्हें फिल्म में गाने और डांस पसंद हैं, जो इस मूवी में नहीं था। मैं ख्याली पुलाव पकाने वाला इंसान नहीं हूँ। जब हम स्वदेश जैसी मूवी बना रहे थे तो मैंने आशुतोष गोवारीकर को कहा था कि आप जानते ही हैं कि हो सकता है कि ये मूवी स्वदेश उतना कारोबार न कर पाए जितना दूसरी मूवीज करती हैं। लेकिन आशुतोष के अंदर मेरे जैसे स्टार के साथ स्वदेश बनाने का जज्बा है। मेरे हिसाब से यही बात है जिसकी हमें खुशी होनी चाहिए। जब एक नए तरह का डायरेक्टर आता है और कुछ नया करता है और खासकर नए लोगों के साथ, तो हमें उसकी तारीफ उन लोगों से ज्यादा करनी चाहिए जो पहले से ही इस इंडस्ट्री में अच्छे एस्टेब्लिश्ड हैं। शाहरुख खान की इस बात से तो लगता है कि शाहरुख खान को भी अभी तक नहीं पता कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आखिर धड़ाम से गिर क्यों रही हैं। चलिए, जैसा कि हमें लग रहा है हम बता देते हैं। वो शायद इसलिए कि आपने कुछ ऐसी बातें बोल रखी हैं जिससे देश के कुछ लोग आपसे नाराज हैं। दूसरा कारण शायद ये भी हो सकता है कि स्टारडम के दिन शायद अब खत्म हो चुके हैं, या फिर ये कि शाहरुख खान भारत के बॉक्स ऑफिस को नजरअंदाज करके ऐसी फिल्में बनाने में फोकस करते हैं जो पाकिस्तान और गल्फ कंट्री जैसे मुस्लिम देशों में ज्यादा बिजनेस कर सके। इसलिए शायद भारतीय बॉक्स ऑफिस का प्यार शाहरुख खान के लिए कम होता जा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा ये चैनल।